हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। मनाली में भूस्खलन की वजह से फोर लेन हाईवे तबाह, कई जिलों में रेड अलर्ट। मनाली में भारी बारिश की वजह से उफान पे नदियां, घरों और मकानों में घुसा पानी, पुल का एक हिस्सा टूटने से आवाजाही प्रभावित। मनाली में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर, निचले इलाकों में भरा पानी, सामने आई बाढ़ की विनाश लीला। पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ों पे भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, सैलाब में डूबे नजर आए मंदिर, जानमाल का भारी नुकसान। ऋषिकेश में भी भारी बारिश की वजह से जलतांडव, सांग और गंगा नदी का रौद्र रूप, सड़कों पर भारी तबाही, खौफ में जीने को मजबूर ग्रामीण। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा, परमार्थ निकेतन स्थित शिव मूर्ति को छूकर बह रही गंगा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला। उत्तराखंड के धारचूला में बाढ़ और बारिश का कहर, काली नदी का बढ़ा जलस्तर, फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों को भारी नुकसान। देहरादून में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, सैलाब में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। चमोली में जलस्तर बढ़ने से जिम्मागाड़ नदी का पुल बह गया, सीमावर्ती गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क भी टूट गया। हरिद्वार के लक्सर में भीषण बाढ़ की वजह से टूटा सोनाली नदी का तटबांध, कुआं खेड़ा गांव के पास डैम टूटा, पूरा इलाका जलमग्न हुआ। मनाली और कुल्लू के बीच भारी लैंडस्लाइड, हाईवे पर कई किलोमीटर तक नजर आई वाहनों की लंबी कतारें। पौड़ी गढ़वाल में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर आया मलबा। कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप, सैलाब में बहती दिखी गाड़ियां, देखते ही देखते पानी में समाये कई ट्रक्स और कार। हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा है नदियों का जलस्तर, कुल्लू और मनाली में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तराखंड में कोटद्वार में खून नदी में गिरी कार, चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने दो घंटे का रेस्क्यू किया, एक की तलाश जारी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सैलाब, बीआरओ की बड़ी गाड़ियों में बिठाकर कांवड़ियों को नाला करवाया जा रहा पार। पौड़ी गढ़वाल में सैलाब का सितम, लगातार बारिश के चलते कुंजोली बिखोखाल गांव में मकान ढह गया। सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी इलाकों में मकानों में आई दरारें, जिला प्रशासन ने सभी घरों को खाली करवाने के आदेश दिए। गुजरात के खेड़ा में निर्माणाधीन पुल की उपसंरचना सामग्री वात्रक नदी में बह गई, पुल को नहीं पहुंचा नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.37 मीटर के पार। ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ओखला में यमुना के किनारे बसे कई घर जलमग्न, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में घरों में घुसा पानी, गैस चूल्हा बर्तन और सामान निकालते दिखे लोग, सुरक्षित जगहों पर कर रहे हैं पलायन। दिल्ली में बचाव कार्य के लिए 45 नावों को किया गया तैनात, दिल्ली नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी।